मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक इवन एंड ओड नंबर्स. इवन और ओड नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव 2, 4, 6, 8 and 0 एट वंस प्लेस, या वो नंबर्स जिनके लास्ट डिजिट जो है हमारी या तो 2 हो या 4 या 6 या 8 या 0. ठीक है, जो हमारे नंबर्स की जो लास्ट डिजिट है वो इन नंबर्स में से या इस ग्रुप में से हमारा बिलोंग करता है. उसकी लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होती है? वंस प्लेस पे ही होती है. सो या फिर हम कहें कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या हो, इनमें से अगर हो तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इवन नंबर. ठीक है, सो लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे, या फिर हम कहें कि ये जो लास्ट डिजिट है वो 2 की टेबल में आए. ओके, देखिएगा ये 2 की टेबल है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. 10 की लास्ट डिजिट क्या होती है? 0. 1 0 10. सो लास्ट डिजिट क्या होती है? 0. सो दिस इज 2 की टेबल. ये क्या है? हमारी 2 की ही टेबल है. सो हम हर एक नंबर का लास्ट डिजिट चेक करेंगे. आगे क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर, हमें वो चेक नहीं करना है. हमें सिर्फ जो लास्ट डिजिट है नंबर्स की वो चेक करनी है कि क्या वो इस ग्रुप से बिलोंग कर रही है. अगर यस देन इट इज इवन नंबर, अगर नो देन इट्स ओड नंबर. ठीक है, अगर ये जैसे कि लास्ट डिजिट क्या है? 2. 2 जो है हमारे इस ग्रुप से बिलोंग कर रही है. ठीक है, सो दिस इज इवन नंबर. 8. 8 क्या है? मेरे इस ग्रुप से बिलोंग कर रही है. सो दिस इज इवन नंबर. सो बोथ नंबर्स आर इवन नंबर. अगर यहाँ पे लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 के अलावा कोई और नंबर हो लाइक 1, 3, 5, 7, 9 तो वो नंबर क्या हो जाएगा? मेरा ओड नंबर. ठीक है, सो ओड नंबर क्या होता है? नंबर्स दैट हैव 1, 3, 5, 7 and 9 एट वंस प्लेस, कि वो नंबर्स जिनके लास्ट प्लेस या जो लास्ट डिजिट होती है, या फिर हम कहें कि वंस प्लेस पे क्या हो, 1, 3, 5, 7 या 9 में से हो तो वो क्या हो जाएगा? ओड नंबर हो जाएगा. या फिर हम कहें कि वो नंबर जो इवन नंबर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मेरा ओड नंबर हो जाएगा. ओके, सो हियर वी हैव गिवन एग्जांपल, चेक देयर लास्ट प्लेस. जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, या वंस प्लेस पे जो है वो क्या है? 1. देखिएगा आप इसको, आपको ये नंबर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख लीजिए, देख ले कि क्या ये हमारे 2 की टेबल में आता है. 1, 2, 4, 6, 8, 0 क्या इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? नो, सो दिस इज नॉट इवन नंबर. तो ये हमारा इवन नंबर तो हुआ नहीं, इट मीन्स इट इज ओड नंबर. ये क्या हो गया? मेरा ओड नंबर हो गया. अगेन दिस नंबर, इसकी जो लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे क्या है? 9 है. 9 क्या मेरा इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? नो, इट मीन्स ये इवन नंबर तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना इवन नंबर. तो अगर इवन नहीं हुआ तो क्या हो गया? मेरा ये ओड नंबर हो गया. राइट, और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स, कि हमें नंबर्स को कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, या क्या वो इक्वल है. ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं, सो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है बेटा कि जो माउथ ओपन होता है मेरा वो किस साइड होता है? ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ, बड़े नंबर की तरफ माउथ ओपन होगा. एंड जो माउथ क्लोज होगा, ये जो बीक सी चोंच होगी हमारी, वो छोटे नंबर की तरफ होगी. राइट, सो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है. सो सबसे पहले क्या करेंगे हम? हाईएस्ट प्लेस से कंपेयर करना शुरू करेंगे, जो दोनों नंबर्स की हाईएस्ट प्लेस है. यहाँ पे भी 1000 है एंड यहाँ पे भी 1000 प्लेस पे ही है. 1s, 10s, 100, 1000. यहाँ पे भी 1s, 10s, 100, 1000. जो 1000 प्लेस पे डिजिट है हम उनको कंपेयर करना शुरू करेंगे. ठीक है, 7, 7. दोनों में देखिएगा क्या है? 7, 7. सो यहां से तो दोनों क्या है? इक्वल है. ठीक है, देन नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे. नेक्स्ट हाईएस्ट प्लेस क्या है मेरी? 100. ठीक है, नेक्स्ट प्लेस पे देखेंगे क्या डिजिट है? 3, 3. हम बैक साइड से चेक नहीं करना है बेटा, कभी आप लास्ट से कंपेयर करना शुरू करें. नो, जो हाईएस्ट प्लेस है मीन्स जो आपकी लेफ्ट साइड है, आप लेफ्ट साइड से चेक करना शुरू करेंगे हमेशा. ठीक है, जो हाईएस्ट प्लेस होती है वंस प्लेस है, आपको चेक नहीं करना है, आपको जो हाईएस्ट प्लेस है वहां से चेक करना है. ओके, देन नेक्स्ट इज 3, 3. 100 प्लेस पे क्या है? 3, 3. लेकिन वो भी क्या है मेरे? दोनों इक्वल है. ठीक है, सो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा नंबर जो है हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है और स्मॉलेस्ट है. देन फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्लेस पे मूव ऑन कर जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट प्लेस क्या है? 10th प्लेस. यहाँ पे क्या है? 6 एंड यहाँ पे क्या है? 1. सो ये यहाँ पे हमारे अलग अलग नंबर है, सो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं दैट 6 इज ग्रेटेस्ट नंबर एंड 1 इज स्मॉलेस्ट. थर्ड प्लेस पे देखिएगा, 10th प्लेस पे, यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 1 है,
सो सिक्स जो है मेरा बड़ा है एंड वन जो है मेरा छोटा है। और आपको अभी मैंने बताया कि माउथ ओपन किस साइड होगा, बड़े की तरफ, एंड माउथ क्लोज किस साइड होगा, छोटे की तरफ। ओके, नेक्स्ट इज 4332। अब मैंने बताया था आपको कि हम कहां से चेक करना शुरू करते हैं, हाईएस्ट प्लेस से। सो वी विल चेक देयर हाईएस्ट प्लेस। ओके, हाईएस्ट प्लेस पे कौन से डिजिट है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे टू है। सो हम इजीली देख सकते हैं दैट दिस इज अवर ग्रेटेस्ट नंबर। और अगर हमारे दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो हम क्या लगाएंगे, साइन इक्वल टू का लगा देंगे। ओके, ये देखिएगा यहाँ पे सारे नंबर सेम है, 3333322111, 3321, 3321। तो दोनों डिजिट्स इक्वल हैं, दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो हम क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यू हैव टू फॉर्म और फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग फोर डिजिट्स। आपको फोर डिजिट्स गिवन होंगी और आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है फोर डिजिट्स का विदाउट रिपीटेशन, कि रिपीट किए बिना आपको फोर डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट। ठीक है, कल की क्लास में भी हमने चैप्टर टू का लास्ट टॉपिक यही किया था, सो इट्स वेरी इजी। ठीक है, सबको याद ही होगा ये कि ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा, सो ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, तो हम सबसे बड़े नंबर से ही हम स्टार्ट करेंगे। इनमें देखिएगा सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 2109। सबसे बड़ा क्या है मेरा, 9। ठीक है, 9 के बाद देखिएगा 210, थ्री डिजिट्स हमारी रह गई हैं, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 210, 2 है, सो वी राइट 2 हेयर। ठीक है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, देन उससे छोटा, लास्ट में हमारा सबसे छोटा नंबर आएगा, या फिर हम कहें कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इन डिजिट्स को अरेंज कर देंगे। डिसेंडिंग मीन्स सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देन हमारा क्या नंबर आ जाएगा, 1, देन 0। दिस इज अवर ग्रेटेस्ट नंबर, ये क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर है, राइट। स्मॉलेस्ट, अब आएगी स्मॉलेस्ट की बारी। बेटा मैं आपको अगेन एंड अगेन ये हर बार ये टॉपिक करवा रही हूं, तब भी आपको बताती हूं कि जब भी हमारा जीरो का आएगा कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चों ने कल ये आपका जब ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर किया था, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब हर बार ये मिस्टेक कर रहे हैं कि जो है जीरो पहले आप राइट डाउन कर रहे हैं एंड देन आप नंबर राइट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन आप स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव टू फॉर्म फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। हमें फोर डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, देन इट्स ओके। ठीक है, तो आपका ये सही है, लेकिन वी हैव टू फॉर्म हेयर फोर डिजिट्स। सो आप 0129 नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, 0129, ये तो आपका थ्री डिजिट्स ही रह गया। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ ये, बट फिर भी बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि जो आपका जो ये प्लेसेस है ये इंटरचेंज हो जाएंगी। ओके, सबसे पहले आप अरेंज कर लेना इसको फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो ये प्लेसेस है इनको शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे आगे मेरा जीरो आ रहा है, लेकिन मुझे आगे जीरो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे फोर डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। सो ये सेकेंड प्लेस वाले वैल्यू के पास जाएगा एंड ये प्लेसेस अपनी इंटरचेंज कर लेगा। सेकेंड प्लेस वाला फर्स्ट पे आ जाएगा एंड फर्स्ट वाला सेकेंड प्लेस पे चला जाएगा एंड दिस इज योर स्मॉलेस्ट नंबर। ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, 1029 इज योर स्मॉलेस्ट नंबर। अवर लास्ट टॉपिक इज राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंथ एंड हंड्रेड। कि आपको नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके नियरेस्ट 10 पे एंड 100 पे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग अवर राउंड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10, हम राउंड 10 पे करेंगे। ठीक है, आपको कुछ नंबर गिवन होगा 4127। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10, 1, 10, 100, 1000। ठीक है, आपको नियरेस्ट 10 बोला है। ठीक है, सो आपको लास्ट टू डिजिट्स को ही चेक करना है। ओके, स्टार्टिंग की जो टू डिजिट्स है हम उसको एज इट इज रखेंगे, राइट। जो आपका, अब हम सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये किन टू टेंस के बीच में लाई करता है हमारा। ठीक है, किन टू टेंस के बीच में लाई कर रहा है, किस टू टेंस के बीच में लाई कर रहा है हमारा ये नंबर। सो मैंने आपको बताया नियरेस्ट 10 बोला है, तो 1, 10 प्लेस इनको हम रहने देंगे। जो सेकेंड, जो नेक्स्ट प्लेसेस रहेगी हमारी हाइएस्ट 100 और 1000,
उस वाले प्लेसेस को हम एज इट इज लिख देंगे उन नंबर्स को। 41 यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे 41। लास्ट में क्या रह गया मेरा 27, राइट 27। ठीक है, सो आप बताइएगा कि जो 27 है मेरा किस नंबर के बीच में लाई करता है, 20 एंड 27 किन टू टेंस के बीच में लाई करता है, 20 एंड 30। ठीक है, 20 एंड 30 के बीच में लाई करता है। और इसका भी मैंने इजी और बताया था कि 27 भी याद ना रहे तो क्या करेंगे हम, जो ये हमारा फर्स्ट नंबर है मैं उसको एज इट इज लिखूंगी लेफ्ट साइड में, पीछे जितने डिजिट रह गई उतनी मैंने जीरो लगा दी, राइट। और टू के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, राइट साइड में कौन सा नंबर रहेगा, टू के जस्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है, टू के बाद क्या आता है 3 और 10, क्योंकि 1 नंबर मेरा इसके पीछे है। ठीक है, सो 20 एंड हेयर इज 30। ओके, सो किन टू नंबर्स के बीच में लाई करता है, 27, 20 एंड 30 के बीच में लाई करता है। सो 20, 30, सो इन टू नंबर्स के बीच में मेरा ये नंबर लाई करता है। ठीक है, अब हमें इसको कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करेंगे, अगर हमें नियरेस्ट 10 पे बोला गया है राउंड ऑफ करने के लिए तो हम इसकी इससे पहली वाली प्लेस को, ठीक है, इससे पहले वाली, इससे छोटी प्लेस कौन सी होती है, वंस प्लेस, तो वंस प्लेस की डिजिट को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, 5 के साथ। किसके साथ कंपेयर करना है, 5 के साथ। ओके, वंस प्लेस की जो डिजिट है उसको आपको 5 के साथ कंपेयर करना है। अगर ये जो प्लेस है, ये जो डिजिट है नंबर की, वो अगर छोटी हुई तो दिस इज स्मॉलेस्ट साइड एंड दिस इज बिगेस्ट साइड। ठीक है, ये नंबर देखिएगा 4120 छोटा है, 4130 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 20 है एंड यहाँ पे 30 है। ओके, सो अगर ये वंस प्लेस वाली डिजिट मेरी 5 से छोटी हुई देन वी इट कम्स डाउन टू द स्मॉलेस्ट साइड, और अगर ये इक्वल हुई 5 के या 5 से बड़ी हुई तो हम बिगर साइड की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, सो वी विल चेक दैट विच इज दिस नंबर ग्रेटर और स्मॉलर देन 5। चेक करें, 7 है मेरा वंस प्लेस पे, 7 क्या है मेरा 5 से बड़ा है। ठीक है, 7 क्या है मेरा 5 से बड़ा है, तो हम किस साइड मूव कर जाएंगे, राउंड ऑफ कहां कर जाएंगे, बिगेस्ट तरफ। ठीक है, सो 4127 राउंड ऑफ होके कहां आ जाएगा, 4130 की तरफ राउंड ऑफ हो जाएगा। ओके, सो हम बिगेस्ट तरफ मूव हो गए, बिगेस्ट नंबर की तरफ। सो ये नंबर राउंड ऑफ होके क्या हो गया, 4130। ठीक है, यस, नेक्स्ट इज राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100। अभी हमें क्या करना है, 100 की तरफ राउंड ऑफ करना है। ओके, तो क्या करेंगे, हमें एक एग्जांपल गिवन है, सेम प्रोसेस है जैसा हमने टेंस में किया है, सेम प्रोसेस है, बट हम अब 10s की जगह पे 100 वाला रूल फॉलो करेंगे। रूल्स दोनों में सेम है, सेम नंबर से कंपेयर करना है। इसके अंदर क्या करेंगे, 100 तक, तो हमें 100 प्लेस को करना है। सो इससे जो पहली वाली लेफ्ट साइड में जो हाईएस्ट प्लेस है, इससे मैं उसको एज इट इज लिख दूंगी दोनों साइड पे। ओके, देन 100 प्लेस पे है। ठीक है, सो अब मुझे ये देखना है कि 325 किन 200s के बीच में लाई करता है, 325 किन के नंबर्स के, किन 200s के बीच में लाई करता है, 300 एंड 400। अगर फिर भी किसी को नहीं आता कि कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे कि देखिएगा 100 प्लेस पे करना है, तो 100 वाली प्लेस को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड, ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, सो दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। ओके, जो आपका 100 प्लेस पे क्या है मेरा, 3 है, तो मैंने 3 एज इट इज लिखा, 100 प्लेस पे कर रहे हैं राउंड ऑफ, तो 300 देखेंगे, वहां पे टेंस था तो हमने टेंस वाली प्लेस को किया था यहाँ पे। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है सबको। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पीछे कितने डिजिट्स रह गई, 2 डिजिट्स, तो मैंने 20 लगा दी, राइट। अब देखेंगे 3 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है मेरा 4, सो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। ओके, एंड लास्ट में क्या है, 20s आ जाएंगी। ओके, क्योंकि 2 नंबर्स हमारे हैं वहां पे, ठीक है, 2 डिजिट्स पीछे रह रहे हैं, तो मैंने 20s लगा दी हैं। ओके, सो 7300 एंड 7400 के बीच में मेरा ये नंबर लाई करता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबर्स जब हम राइट करेंगे तब तो हम उसी प्लेस को देखेंगे, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे नंबर को,
तो हम इससे एक प्लेस छोटी देखेंगे। अगर 100 पे राउंड ऑफ करना है तो 10 प्लेस को देखेंगे। अगर 10 प्लेस का कंपेयर करना था, 10 पे राउंड ऑफ करना था, तो हम उससे एक प्लेस छोटी मीन्स 1 प्लेस को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमें 100 पे राउंड ऑफ करना है तो इससे छोटी वाली प्लेस कौन सी है? 10s। तो 10s की डिजिट को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? 5 के साथ। ओके, यहाँ पे क्या है मेरा 2। 2 को जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि 2 क्या है हमारा? छोटा है। 2 इज लेस देन 5। तो जो 2 है वो छोटा हो गया 5 से। इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो राउंड ऑफ होके कहाँ हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ, छोटे नंबर की तरफ। छोटा नंबर ये है एंड दिस इज योर बिगर नंबर। ठीक है, ये बिगेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये राउंड ऑफ होके कहाँ चला गया? 7325 राउंड होके कहाँ चला गया? स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ, 7300 की तरफ। ठीक है, अगर मेरा इस प्लेस के ऊपर 5 ही होता, अगर यहाँ पे 5 ही होता तो क्या हो जाता? 5 5 इक्वल हो जाते। और मैंने आपको बताया कि जब इक्वल भी होगा अगर 5 के, तो हम कहाँ चले जाएंगे? बिगेस्ट नंबर की तरफ। अगर 5 है, इक्वल ही है यहाँ पे, या फिर 5 से बड़ा है, तो बड़ा होगा तो बड़े की तरफ, स्मॉल होगा तो छोटे की तरफ।